रोटी कपड़ा और मकान लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, लेकिन झकरकटी रेलवे लाइन के किनारे राखी मंडी में यहां पर ये लोग इन सभी चीज़ों से वंचित हैं। ये काफ़ी समय से यहां रह रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट इनको कोई भी सुविधा नहीं दे रही है। यहाँ लैट्रिन की, पानी की, नाली की सुविधाएं नहीं है, यहाँ पानी निकलने की सुविधाएं नहीं है, बरसात में बहुत दिक्कत होती है। कई नेता आए यहाँ पर, कई मतलब कह कह के जाता है ऐसा हो जाएगा, सड़क बन जाएगी, सुलभ बनवा देंगे, सब करवा देंगे, नहीं कोई। वैसे तो आज लोग इतना विकास कर लिया है कि वो चांद पे मकान बना सकता है, लेकिन यहाँ के लोगों के घरों में अभी भी कोई चांद की क्या सूरज की रोशनी भी अंदर तक नहीं जा पा रही है। ये लोग बरसात के समय बड़ा ही नरकीय जीवन जीते हैं। लैट्रिन के लिए लाइन के किनारे तालाब में ये लोग जाते हैं लैट्रिन करने, और लाइन के किनारे तालाब लैट्रिन करने पर इनको पुलिस वाले भी दंडित करते हैं। यहाँ लैट्रिन में तो लाइन के किनारे तो वहाँ पुलिस मारती है, भगाती है वहाँ से, वहाँ भी लैट्रिन नहीं बैठने देते, दिक्कत है, कहाँ जाए, बंद भी कर देते हैं, चालान कर देते हैं, गरीब आदमी कहाँ से इतना रुपया पैसा दे। यहाँ पर लगभग 10 से 20 हज़ार की आबादी है लेकिन इनको कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। गवर्नमेंट इनको बीपीएल की सूची में नहीं रखता है। अगर बीपीएल की सूची में इनको रखे तो इनकी गवर्नमेंट की जो भी सुविधाएं हैं इनको मिल जाएगी। ये लोग मजबूरी बस रेलवे लाइन के किनारे इनलीगल तौर पे रहने को मजबूर है। अगर गवर्नमेंट इनका सहयोग करे तो हो सकता है ये लोग यहाँ पर रहने को मजबूर ना हो। मैं जोगेंद्र सिंह परियार, उत्तर प्रदेश कानपुर से, इंडिया अनहर्ड के लिए।